3 major economic railway corridor programs will be implemented. These are energy, mineral and cement corridor, number 2, port connectivity corridors, and number 3, high traffic density corridors. The projects have been identified under the PM Gati Shakti for enabling multimodal connectivity. They will improve logistics efficiency and reduce cost. The resultant decongestion of the high traffic corridors will also help in improving operations of passenger trains, resulting in safety and higher travel speed for passengers. Together with dedicated freight corridors, these 3 economic corridor programs will accelerate our GDP growth and reduce logistic costs. बजट 2024 का पूरा एनालिसिस टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस। देश का अंतरिम बजट आ चुका है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार देश को 4 जाति में बांट कर देखती है, महिला, किसान, युवा और गरीब। तो क्या बजट में इन्हें लेकर बड़ी घोषणाएं हुई? आज आपके इन्हीं ढेरों सवालों के जवाब के साथ हम हाजिर हुए हैं। अंतरिम बजट का पूरा एनालिसिस हम आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इस बार बजट में आम जनता के लिए ना ही कुछ सस्ता महंगा हुआ है, ना टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव हुआ और ना ही इस बार कोई बड़ी योजना की घोषणा हुई। हाँ, ये जरूर है कि कुछ योजनाओं का दायरा बढ़ाया गया है। ये बजट लोकसभा चुनाव से पहले पेश किया गया, लेकिन 2019 के अंतरिम बजट की तरह इस बजट में कोई भी लोक लुभावन घोषणाएं नहीं हुई। सरकार का सीधा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर दिखा। सरकार ने इस बार इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत आप 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं। नई टैक्स रिजिम चुनने पर पहले की तरह ही 3 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स देना होगा। इसमें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत सैलरी पर्सन 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर और अन्य 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं। वहीं 1962 से वित्त वर्ष 2009-10 तक के पेंडिंग डायरेक्ट टैक्स के मामलों में टैक्स माफ कर दिया जाएगा। हालांकि ये तभी होगा जब आप पर 25,000 रुपए तक का टैक्स बन रहा हो। इसी तरह 2010-11 से 2014-15 के बीच पेंडिंग मामलों में इनकम टैक्स से जुड़े 10,000 रुपए तक के मामलों को वापस लेने का फैसला किया गया है। इससे 1 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इस बजट में उन लोगों को निराशा हुई है जो टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि सरकार ने स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट को मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है, जिससे उन्हें फायदा मिलेगा। टैक्स मामलों को वापस लेने से 1 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इसके साथ ही पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा किया गया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार योग्य मध्यम वर्ग के लिए अपना घर खरीदने या बनाने के लिए एक आवास योजना शुरू करेगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब सभी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को इसके दायरे में लाया जाएगा। इस बार के बजट में लखपति दीदी योजना के तहत 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का टारगेट रखा है। योजना के तहत महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप, इंडस्ट्री, एजुकेशन या दूसरी जरूरतों के लिए स्मॉल लोन दिए जाते हैं। वहीं देश में करीब 40 लाख आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता हैं। आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ने का फायदा इन्हें मिलेगा। लखपति दीदी योजना का दायरा बढ़ने से ज्यादा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। साथ ही इस साल केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बजट 11.1% से बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए कर दिया है, जो GDP का 3.4% है। ये पैसा सरकार एयरपोर्ट, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे और अस्पताल बनाने जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए खर्च करेगी। सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा में सुधार के लिए
40,000 बोगियों को वंदे भारत मानक में बदलने की भी घोषणा की है। इसके अलावा रेलवे के लिए 3 नए कॉरिडोर की घोषणा हुई है। इसका असर ये होगा कि एयरपोर्ट फ्लाईओवर एक्सप्रेसवे के बनने से कनेक्टिविटी सुधरे, कॉरिडोर्स के बनने से कॉस्ट कम करने में मदद मिलेगी। सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट पेश किया जाएगा जिसमें काफी कुछ खास होने की उम्मीद जताई जा रही। इस तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।